तो भारे वरसाद ने पगले बनासकांठा तंत्र पण एलर्ट मोड पर छे। एनडीआरएफ की टीम डीसा नदी किनारा गामे पहुंची थी। नदी आसपासना गामना लोकोने टीमे समजण आपी नदी के पूर आवे ते समये लोकोने एलर्ट रहेवा सूचन आपवामां आव्या छे। एनडीआरएफ की टीमे बळत डावस तेमज राणपुर गामना लोकोने एलर्ट कर्या हता। गामना सरपंचने लोकोने ऊंचाणवाळा विस्तारमां खसेडवा माटे पण सूचना अपाई छे। एनडीआरएफ की टीम डीसाना नदी किनारा विस्तारमां रहेशे। सीपू और दातीवाड़ा डेम में पानी छोड़ाय तो एलर्ट रहेवा तंत्राए अपील करी छे। डीसा खाते एनडीआरएफ 30 जवानों की टीम तैनात कराई है। तो पूर की स्थिति समय पहुंची वळवा एनडीआरएफ की टीम तैनात कराई है। बनासकांठा के डीसा तालुका में तैनात की गई है। यह टीम प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ जैसी स्थितियों में इमारतों की ढह जाने की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय हम सीएसआर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ फ्लड वाटर रेस्क्यू से निपटने के लिए हमारे पास लाइफ सेविंग डिवाइसेस में आईआरबी बोट, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, डीप डाइविंग सेट्स हैं जो कि किसी भी डूबे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए सहायक है।